हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो एक दो दिन के बाद हमारा व्लॉग आ रहा है, आप लोगों के मैसेजेस भी आ रहे थे। तो थोड़ा सा हम गए हुए थे बाहर घूमने, एक ब्लैक वाली जीप कंपास ले गए थे और एक एंडेवर ले गए थे, घूमने गए थे। तो उन दोनों की भी वीडियोज़ बना रखी है, वो भी इसके अंदर मैं आपको डलवा के दिखाऊँगा। एंड उससे एक दिन पहले हमने लेट नाइट डिलीवरी करी थी रेंज रोवर इवॉक की। कस्टमर दिन में आके हमारे पास गाड़ी देख गए थे, दिन में इधर उधर और चार पांच जगह उन्होंने गाड़ी देखनी थी। तो शाम को उन्होंने डिसाइड करा कि गाड़ी से ही लेंगे गाड़ी, क्योंकि तो हमारी गाड़ी की टेस्ट ड्राइव कर गए थे, उन्हें गाड़ी पसंद थी। तो फिर रात को गए थे गाड़ी की डिलीवरी देने, उनके किसी जानकार का होटल था उधर हमने डिलीवरी दी है, उसकी भी वीडियो इसके अंदर डल जाएंगी। बाकी देखते हैं उधर वॉशिंग वगैरह कर रहे हैं मुकेश भैया, देखते हैं क्या कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, गाड़ी हमारी घूम के आई है जिम कॉर्बिट, मुकेश भैया जिम कॉर्बिट ले गए थे एंडेवर, तो वॉशिंग कर रहे हैं यहीं पर बढ़िया से। कर तो बाहर भी सकते थे पर मुकेश भैया कह रहा मैं यहीं करूँगा, हमने कहा कर लो, फिर बाद में सफाई भी करानी पड़ेगी। और आज हमारा व्लॉग एक दो दिन के बाद आ रहा है, थोड़ा सी छुट्टी उट्टी से बनाने गए थे हम। बाकी इन दिनों में काफ़ी सारी गाड़ियों की डिलीवरी गई है, जैगुआर, रेंज रोवर एंड जीप कंपास वगैरह चार पांच गाड़ियां चली गई हैं दो तीन दिन के अंदर। तो लगे हुए इसी तरीके से, एक अभी हमारी जो पजारो गाड़ी है ना उसकी भी वॉशिंग करवा दूँगा आज, उसकी रील बना के डालेंगे बढ़िया। और पजारो का हमने जो प्राइस रखा है 7,90,000, उसकी आज वीडियो बना के डाल देंगे, रील बना के डाल देंगे। पॉलिशिंग वगैरह करवाया था, प्रोडक्ट वगैरह हमने मंगा लिए हैं इसके, पॉलिश वगैरह लगवाया था। इसके अलावा दिखा देता हूँ, अब हमारे पास तीन Q7 रेडी हो गई हैं स्टॉक के अंदर। ये देखो ये पाइप गिर रहा है, इसलिए वो ध्यान ही नहीं है, इसको चिपकवाता हूँ। Q7 सिंगल ओनर ऐड हो गई है, एक वाइट वाली Q7 जो दिखाई थी वो भी हमारी गाड़ी रेडी हो गई है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन। ये गाड़ी सिर्फ 60,000 किलोमीटर चली हुई है। ये देखो वाइट वाली 3 सीरीज भी हमारी रेडी होके आ गई है। इसके अंदर ये फॉग लैम्प कवर नहीं था, एक ये वॉशर की कैप नहीं थी, ये गिर गई थी। और ये 36 नंबर वाली जो 5 सीरीज थी ना, इसकी सनरूफ बंद हो गई थी चलनी, तो इसकी सनरूफ अब किस जिससे चलवा रहे थे उससे चल ही नहीं रही थी। वो सनरूफ की कोडिंग करते थे तो कोडिंग उतर जाती थी, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। तो BMW से रात को बुलाया था मैंने सर्विस सेंटर से, BMW से आए थे कस्टमर और वो इसे कर गए हैं ओके। बाकी फॉर इसके अंदर ना हमारे पास एक क्रेटा, जो हमने अभी फॉर्चूनर दी थी और क्रेटा ली थी, तो क्रेटा के अंदर क्या प्रॉब्लम थी, डीजल फिल्टर का एरर शो कर रही थी गाड़ी। तो जब डीजल फिल्टर डलाने भेजी तो हमारे वर्कशॉप में जो हैं जो मेन भैया, उन्होंने कहा कि इसके इंजेक्टर क्लीन कराने पड़ेंगे, क्योंकि ये UP नंबर की गाड़ी है, मेरठ नंबर की ना, तो UP साइड पर ना थोड़ा सा डीजल के अंदर शायद प्रॉब्लम होती है। तो कह रहे गंदा डीजल डलने की वजह से इंजेक्टर में थोड़ी प्रॉब्लम आ गई, इस वजह से गाड़ी एवरेज कम दे रही थी। अब ये एवरेज भी ज़्यादा देगी और सर्विस भी करा दी थी वैसे तो, कोई ऑयल वगैरह भी चेंज कराई दी है, सर्विस भी हो गई है, इंजेक्टर क्लीन करा के डीजल फिल्टर वगैरह चेंज करा दिया है, ओवरऑल ये सीन है। बाकी ये वाली Q5 हमारी जो थी 15 मॉडल जो मैंने दिखाई थी, ये हमारी बुक हो गई है गाड़ी आज, ये हमारी गाड़ी बुकिंग हो गई है इस गाड़ी की। और बहुत सारे हमने गिफ्ट्स मंगवा रखे हैं, आज हमारे पास शायद आ जाएंगे, वो सब भी हमने गिव अवे करने के लिए जो बोला था वो हमारे गिफ्ट्स आज आने हैं, तो वो आज आ जाएंगे, वो शाम को मैं आपको दिखाऊंगा। बहुत सारे गिफ्ट हमने मंगवा लिए हैं, Q7 3 हो गई हमारे पास, बाकी E-क्लास, C-क्लास, सुपर सभी के ऑप्शन हैं, सारी गाड़ियाँ धीरे धीरे रेडी हो रही हैं। Q3 हो गई हमारे पास 8 से 10 गाड़ियाँ, तो Q3 भी कोई ढूंढ रहा तो कॉन्टैक्ट कर ले। इसके अलावा सारे प्रोडक्ट हम लेके आए जा रहे हैं, आप फॉलो करके रखें, सब्सक्राइब फॉलो करके रखें। सो फ्रेंड्स, लेट डिलीवरी थी एंड गाड़ी कस्टमर आज शाम को देख गए थे, बट शाम को उनका मूड नहीं बना, बट रात को उनका कॉल आया कि हमें गाड़ी आज ही चाहिए, कल से शराब चालू है। पंजाबियों में आपको पता ही है शराब उन रातों को बहुत ज़्यादा मानते हैं, 15 दिन तक का वो वेट ही नहीं कर सकते थे, उनको गाड़ी इतनी पसंद आ गई थी। कस्टमर की स्पेशल डिमांड पे रात को 11:21 है और अभी हमने डिलीवरी करी है हमारे ब्रदर को। क्या नाम है भैया जी आपका? क्या नाम है भैया जी आपका? मेरा नाम राजेश वाले। हाँ जी, तो पाजी बढ़िया एक्सपीरियंस रहा रात को इतनी देर। एक बार ये दिखाते हैं कि भैया ने गाड़ी कौन सी खरीदी, आओ भैया साथ साथ चलते हैं, आ जाओ। तो भैया बहुत शौकीन है और देख सकते हो
टॉप ऑफ द लाइन भैया ने गाड़ी खरीदी है, खड़ी हुई भी भैया कैसी लग रही है आप बताओ? बढ़िया कंडीशन है भाई, एक बार एक नंबर के हर कोई कहता है कि यार कोई चीज बिल्कुल देख के एक बार तो वापस मुड़ेगा है ना। बिल्कुल तो गाड़ी आपने मेरे ख्याल से तो थोड़ी सी चलाई है इन्होंने, और इन्होंने इनका माइंड मेकअप होगा कि यार नहीं गाड़ी अभी लेनी है, और इनका रात को 9:30 बजे करीब कॉल आया एंड हम 4-5 लोग जो थे डिलीवरी देने भैया को आ गए। हमारे ऑफिस से कम 40-50 किलोमीटर दूर था, बट फिर भी हम सब आपके साथ हैं, है ना भैया जी? बिल्कुल भाजी, सब चीज़ें डॉक्यूमेंटेशन सब चीज़ें हो गई, सब कुछ हो गया, सारे डॉक्यूमेंटेशन हो गए, बढ़िया गाड़ी की डिलीवरी है, गाड़ी की भी सब चीज़ें की श्योरिटी दे के भैया को दिया है, टेंशन फ्री। बिल्कुल भैया हमारे साथ हैं और हम भैया के साथ हैं हमेशा। तो आप लोग भी ऐसे हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हम सभी के साथ जुड़े हुए हैं। थैंक यू सो मच। फ्रेंड्स Q7 दोनों की व्हील मैंने बना ली है, फोटोग्राफ खींच के इंस्टाग्राम पे डल जाएंगी, इंस्टाग्राम फॉलो कर लो, cardeal.nsp के नाम से हमारा इंस्टाग्राम पेज है। इंस्टाग्राम पे अभी तीनों Q7 की वीडियो वगैरह भी डल जाएगी और रील वगैरह भी मैंने बनवा दिया है, बाकी देखते हैं लगे हुए हैं। अभी शोरूम पे भी चलेंगे, BMW 7 सीरीज ली थी, मैंने उसकी डिलीवरी लेनी है, कल जाना था, कल बाई चांस मैं जा नहीं पाया, तो अभी शोरूम जाके भी आपको दिखाऊंगा। BMW लिया 7 सीरीज, बहुत अच्छी कंडीशन की गाड़ी है। इसका जो Q7 है 2015 मॉडल का 16,90,000 प्राइस है, ये 2014 मॉडल वाली का है 15,90,000 एंड इसका ये 2014 है, ये 13 मैनुफैक्चर 14 रजिस्टर्ड है, इसका प्राइस है 14,90,000 रुपये। सभी के प्राइस नेगोशिएबल हैं, गाड़ियाँ हैं वेल मेंटेन, एस लाइन वेरियंट है, तीनों की तीनों कैप्टन सीट्स वाली हैं। बहुत ज़्यादा हो रही है और ये टाइम बहुत ज़्यादा शॉर्ट्स आप ले जा रहे हो, क्या करें, सेम टू सेम डालते रहेंगे क्या सारा पूरा दिन पे? हमें बोल रहे हम गाना सेम लगाते, खुद सेम टू सेम शॉर्ट्स लिए जा रहे हैं सारी वीडियो के। पार्शियलिटी देखो अपना बढ़िया, और अपने सारे शॉट आपको बढ़िया भी लग रहे होंगे, है ना? तो फ्रेंड्स एक और BMW 7 सीरीज जो ली थी उसकी डिलीवरी लेने आया हूँ, तो गाड़ी भी दिखा देता हूँ और डिलीवरी भी ले लेते हैं। ऑडी से लेनी है, BMW कस्टमर ने न्यू ऑडी खरीदी होगी तो अपनी गाड़ी इसको दे गया होगा, तो हमने खरीद ली थी 4-5 दिन पहले ही, आके देख गया था, तो आज डिलीवरी लेने आया हूँ। तो फ्रेंड्स गाड़ी को जिस तरीके कंडीशन है, नंबर आपके सामने है, 2015 मॉडल है, BMW 730 LD है, डीजल की है, न्यू शेप वाली है, डिजिटल मीटर वाली, बाकी की डिटेल्स मैं आपको इसके ऑफिस चल के बताऊँ, ठीक है भैया? फिर चलो यार, और डॉक्यूमेंट्स के ना इसके अंदर यार हमारे एक कस्टमर का आधार कार्ड, पैन कार्ड, पेंडिंग है, वो आपको बिल्कुल मिल जाएंगे, मैंने व्हाट्सएप आपको कर दिया, आप भेज देना, हमारे यहाँ से गाड़ी में डॉक्यूमेंटेशन बिल्कुल नहीं रहती, बस तभी आपसे गाड़ी लेते हैं, ठीक है? मतलब बिल्कुल क्लियर चीज़ मिलेगी आपको, ना कोई चलान ना कोई कुछ, हाँ जी, पेपर डॉक्यूमेंटेशन बिल्कुल क्लियर रहेगी, ठीक है, प्रॉब्लम फ्यूचर में आ सकती है, ठीक है सुमित जी, ओके टेक केयर। तो फ्रेंड्स शोरूम से ली हुई गाड़ियों के अंदर ना एक चीज़ तो होती है, देख लो आप, गाड़ी स्टार्ट है, इंजन की क्वालिटी देखो यार, एक चीज़ की क्वालिटी होती है, गाड़ी चला के लाए, चलने में बिल्कुल स्मूथ है, वैसे चला के खरीदी थी बट चलने में बिल्कुल स्मूथ है, न्यू शेप वाली है, फ्रंट में इसके अंदर डबल DRLs, जन एंड लाइटें होती हैं ये वाली, बाकी साइड प्रोफाइल से भी देख लो, मेन तो इसका इंटीरियर आपको दिखा देता हूँ, गाड़ी बिल्कुल नेक्स्ट टू न्यू रहने वाली है, अभी सर्विस भी नहीं होनी एंड इंटीरियर इसका जो है वो मेन है। फ्रिज भी है गाड़ी के अंदर, गाड़ी इलेक्ट्रॉनिक टेल गेट भी है, सॉफ्ट क्लोज डोर्स भी हैं, शानदार कंडीशन की गाड़ी है। गाड़ी की बिलिंग है 1,29,00,000 रुपए की एंड जो टैक्स भरा था 12.5 लाख रुपए, तो करीब करीब जो गाड़ी कस्टमर ने परचेज करी थी तो करी होगी 1,41,00,000 रुपीज़, करीब करीब 1,40,00,000 के आसपास,
एंड आज आप ये देखो कि जिसने आज गाड़ी बेची है उसको इस गाड़ी के कुछ भी पैसे नहीं मिले, उसने फ्री में बेच दी गाड़ी। 1,40,00,000 की परचेजिंग का बिल है हमारे पास, जो कस्टमर ने न्यू परचेज करी थी। एंड आज इसकी क्या आस्किंग है, 19,90,000। शायद इस गाड़ी की डाउन पेमेंट 20,00,000 ना होती हो, और फिर भी लोग आते हैं नेगोशिएशंस और ये सब। आप लोग ये सोचो, जो हमारी वीडियो देख रहे हैं जिन्होंने नई खरीदते हैं गाड़ियाँ, वो मैं उनके बारे में जानता हूँ क्योंकि हम रेगुलरली कस्टमर डीलिंग के अंदर रहते हैं। तो जो नई लेने वाला वो वैसे ही रो रहा होता है कि भाई मैंने 1,40,00,000 वाली गाड़ी जिसकी 20,00,000 की बिक्री होगी, तो उसके दिल पे क्या बीत रही होगी। गाड़ी फुली इंश्योर्ड है, 33,00,000 की वैल्यू पे इंश्योरेंस है, दोनों चाबियाँ हैं, गाड़ी नॉन मीटर टेम्पर्ड है, नॉन एक्सीडेंटल है, और किसी तरीके का गाड़ी के अंदर कोई नुक्स भी नहीं है। अगर किसी ने लेनी है तो गाड़ी ले सकता है, सेल पे अवेलेबल है, एक दो दिन के अंदर रेडी भी हो जाएगी। और कुछ इस तरीके से आज का दिन रहा, गाड़ियाँ काफ़ी सारी रेडी हो गई हैं, अब आप लोगों ने ही आना है, आके गाड़ियाँ लेके जानी है। हमारे पास एक क्रेटा भी जो थी वो भी आ गई थी, मैंने बता दिया था। बाकी सब चीज़ें ऐसी ही हैं, स्टॉक इंस्टाग्राम पेज cardeal.nsv पे देखने को मिलेगा। वीडियो यहाँ तक देख ली तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ऐसा कंटेंट आपके लिए और लेके आते रहेंगे। इंस्टाग्राम पेज है हमारा cardeal.nsv, और हमारी जो पार्किंग है, हमारा जो एड्रेस है वो है बेस्ट बिजनेस पार्क बिल्डिंग, नेताजी सुभाष प्लेस, दिल्ली 110034 हमारा पिन कोड है। नीचे दिए गए सारे नंबर व्हाट्सएप पे चालू हैं। तो फिल्म लूँगा किसी और वीडियो के अंदर, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।